ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज्योतिष की जानकारी के लिए। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सभी जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति करें, किसी को भी दुख तकलीफ और कष्ट न हो, इसी भावना के साथ आज इस युति में, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सूर्य चंद्र की युति कुंडली के पहले भाव में, अर्थात लग्न में जब सूर्य और चंद्र होते हैं तो जातक के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, इस विषय के ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दें, अगर आपकी कुंडली में सूर्य चंद्र की युति के साथ एक नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कुंडली में सूर्य चंद्र की युति पहले भाव में है, फर्स्ट घर में है, पहले घर में है। तो ये जो है अंक जो होता है, ये राशि का अंक होता है, भाव का अंक नहीं होता। इसे आप समझने के लिए हमारा ये वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू नो प्लैनेट पोजीशन इन कुंडली। तो आइए चर्चा करते हैं सूर्य चंद्र की युति लग्न में पहले स्थान में। तो ऐसे जातकों का जन्म जो है अमावस्या को होता है, अमावस्या से एक दिन पहले भी हो सकता है, एक दिन बाद में भी हो सकता है। और ऐसे जातकों का जन्म प्रातः काल होता है, सूर्य उदय के समय होता है। जब सूर्य चंद्र की युति अपनी राशि में हो, मित्र राशि में हो, उच्च राशि में हो, ऐसे में जातक उच्च अधिकारी हो सकते हैं, कोई डॉक्टर हो सकते हैं, कोई कर विभाग में अधिकारी भी हो सकते हैं। किंतु ये भी कहा गया है कि ये अपनी राशि में मंदा फल भी दे सकते हैं। वो किस तरह का मंदा फल दे सकते हैं, यदि पाप ग्रहों की दृष्टि हो, इसके ऊपर हम वीडियो में चर्चा करेंगे। और हम ये भी चर्चा करेंगे कि 12 राशियों में कैसा फल सूर्य और चंद्र की युति का कुंडली में पहले भाव में होने पर हो सकता है, उसके ऊपर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यह युति मित्र राशि में होने पर, उच्च राशि में होने पर बहुत अच्छे फल मिलेंगे। ऐसे जातक उच्च अधिकारी हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, कर विभाग में कोई अधिकारी हो सकते हैं, और ऐसे जातक जो हैं औषधि बनाने वाले हो सकते हैं, या अन्य तरह से जातक जीवन में बहुत तरक्की करेंगे यदि यह युति मित्र राशि में हो, उच्च राशि में हो। किंतु ऐसे जातकों को माता पिता के दुख से इनका मन दुखी होता है। संभव है कि माता पिता का आपस में झगड़ा रहे जीवन में, माता पिता के कलह के कारण जातक का मन दुखी रहे, अथवा किसी अन्य कारण से माता पिता के दुख से जातक जीवन में दुखी हो सकता है। और अशुभ प्रभाव में होने से जातक को मान प्रतिष्ठा में कमी हो सकती है, जातक वैभवहीन हो सकता है। जब सूर्य और चंद्र की युति होती है तो ऐसे जातक कोई यंत्र निर्माण करने वाले होते हैं, किसी तरह की कोई तकनीक जातक बना सकते हैं, कोई यंत्र, कोई उपकरण ऐसे जातक बना सकते हैं। ऐसे जातक पत्थरों को मूर्ति का रूप देने वाले हो सकते हैं, पत्थरों के शिल्पी हो सकते हैं, और ऐसे जातक मैकेनिक हो सकते हैं। सूर्य चंद्रमा की युति लग्न में होने से ऐसे जातकों का स्वभाव कुछ रूखा होता है, निष्ठुर स्वभाव होता है, कुछ कठोर हृदय के ऐसे जातक हो सकते हैं, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन वाले, नियमों वाले ऐसे जातक हो सकते हैं। सूर्य चंद्र की युति पहले भाव में होने से ऐसे जातक अपने जीवन साथी के वश में हो सकते हैं। और सूर्य चंद्र की युति लग्न में होने से यदि कोई स्त्री जातक है जिनकी कुंडली में सूर्य चंद्र इकट्ठे पहले भाव में बैठे हुए हैं, उनको गृहस्थ सुख में कमी होती है। अक्सर मैंने बहुत सी कुंडलियों में देखा है स्त्री जातकों की यदि सूर्य चंद्र की युति हो तो उनका गृहस्थ जीवन जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता, विवाह में विलंब भी हो सकता है, या विवाह के बाद किसी अन्य कारण से मन दुखी रह सकता है। यदि सभी जातकों की कुंडली में यदि सूर्य और चंद्र लग्न में हो और नवांश कुंडली में एक दूसरे के नवांश में हो तो ऐसे में जातक निर्धन होगा और रोगी होगा, कोई ना कोई रोग जातक को हो सकते हैं। यदि सूर्य और चंद्र दोनों
लग्न में बैठकर एक ही अंश के ऊपर बैठे हों या एक ही नवांश में हो, तो ऐसे में जातक की अपराधिक प्रवृत्ति हो सकती है, ऐसे जातक अपराधी भी हो सकते हैं। और जब ही सूर्य और चंद्र एक ही अंश में हों, तो ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसे जातक की जन्म के बाद 3 महीने में 3 माताएं होती हैं। अर्थात ऐसा जातक गोद लिया जा सकता है, या कोई उनको पालने वाली हो सकती है जो अलग से उनका पालन करे। अर्थात ऐसे जातक की 3 महीने में 3 माताएं हो सकती हैं, यदि एक ही अंश के ऊपर हों। और माता को कष्ट की संभावना रहेगी यदि एक ही अंश के ऊपर यह दोनों ग्रह सूर्य और चंद्र कुंडली में बैठे हुए हैं। मंदे प्रभाव में अन्य योग में मंदे प्रभाव में सूर्य चंद्र लग्न में होने से मानसिक रोग जातक को हो सकते हैं, मानसिक रोग की संभावना रहेगी। तो वो विशेष योग कैसे बनेगा मानसिक रोग का, यदि जातक का जन्म दिन के समय में हो तथा द्रेष काम का जो लग्नेश है वो मंगल या शनि हो, और गुरु जो है वो केंद्र स्थान में हो या तृतीय भाव में हो, तो बहुत ज्यादा मानसिक समस्याएं ऐसे जातकों को हो सकती हैं जिनका सूर्य और चंद्र लग्न में बैठा हो। और उसके बाद चर्चा करते हैं यदि शुभ ग्रह की दृष्टि सूर्य चंद्र के ऊपर न हो तथा 12वें भाव में पाप ग्रह हो, तो ऐसे में जातक को अरिष्ट होता है, ऐसे बालक को कष्ट रह सकता है, कष्ट की संभावना रहेगी। और यदि कुंडली में 4th भाव तथा 5वां भाव जो सूर्य और चंद्र के भाव माने जाते हैं, उनमें यदि सूर्य और चंद्र के शत्रु ग्रह बैठे हों, तो ऐसे में बहुत अशुभ योग बनेगा, जातक के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। जातक संतप्त रह सकता है, दुखी रह सकता है और उदास रह सकता है, जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। और आगे हम अन्य योग के ऊपर चर्चा करते हैं। यदि सूर्य और चंद्र षड वर्ग आदि कुंडलियों में शुभ वर्गों में बैठे हों, शुभ राशियों में बैठे हों, और पाप ग्रह तथा शुभ ग्रह दोनों की दृष्टि सूर्य और चंद्रमा के ऊपर हो, तो ऐसे में राजयोग होगा, चपल राजा होगा। ऐसा जातक बहुत होशियार, बहुत चलाक और बहुत चंचल राजा होता है यदि यह योग कुंडली में बन रहा हो। अन्य योग में हम चर्चा करते हैं यदि सूर्य और चंद्रमा पाप ग्रहों के मध्य में बैठे हों, 12वें घर में कोई पाप ग्रह बैठा हो और दूसरे घर में कोई पाप ग्रह बैठा हो, तो ऐसे में जातक रोगी होगा, दीन अवस्था में होगा, माता पिता के सुख में कमी होगी। और अब हम एक और राजयोग के ऊपर चर्चा करते हैं। यदि सूर्य और चंद्रमा की युति लग्न में हो किंतु दूसरे भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो, शनि बैठा हो, राहु बैठा हो या फिर मंगल बैठा हो, किंतु 12वें भाव में शुक्र बैठा हो, बुध बैठा हो, कोई अन्य शुभ ग्रह बैठा हो, तो ऐसे में राजयोग बनता है। ऐसा जातक जीवन में बहुत उन्नति करता है, बहुत तरक्की करता है। तो आइए आगे हम चर्चा करते हैं सूर्य चंद्र की युति 12 राशियों में कैसा फल देती है, जातक के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले मेष राशि के ऊपर चर्चा करेंगे। यदि सूर्य और चंद्रमा की युति कुंडली में मेष राशि में हो, तो बहुत शुभ योग बनेगा, राजयोग बनेगा। यहाँ पे सूर्य अपनी उच्च राशि में होगा, ऐसे जातक बहुत धैर्यवान होते हैं, कोई उच्च अधिकारी होते हैं, कोई मंत्री का पद प्राप्त करते हैं। राजयोग से ऐसे जातक वैभव संपन्न होते हैं, सभी सुख सुविधाओं वाले होते हैं, किंतु इनको पेट रोग की समस्या हो सकती है। कुंडली में मंगल जितना अच्छा होगा उतना ही शुभ फल ऐसे जातकों को मिलेगा। यदि मंगल मकर राशि में बैठा है तो निश्चय ही यह राजयोग जो है सफल होगा, किंतु यदि मंगल कर्क आदि नीच राशि में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, तो इसके शुभ फल जातक को प्राप्त नहीं होंगे। और दोनों ग्रह जिस नक्षत्र में बैठे हों उनका स्वामी ग्रह जो है वो भी कुंडली में अच्छी अवस्था में हो, तो राजयोग बनेगा। किंतु यदि सूर्य तुला के नवांश में बैठा हो तो जातक निर्धन हो सकता है, कष्टों का सामना उसे करना पड़ सकता है।
तो आगे चर्चा करते हैं वृख राशि में सूर्य चंद्रमा की युति लग्न में होने से कैसा प्रभाव होगा। तो वृख राशि जो है चंद्रमा की उच्च राशि है, तो इसके बहुत शुभ फल मिलेंगे। यहाँ पर भी एक तरह से राजयोग कुंडली में बनेगा। ऐसे जातक कोई सैनिक भी हो सकते हैं, कोई सिपाही भी हो सकते हैं, या सेना या पुलिस में कोई उच्च अधिकारी भी हो सकते हैं, और यहाँ पे राजयोग भी बनता है। ऐसे जातक वैभव धन वैभव से संपन्न होते हैं, जीवन में सुख प्राप्त करते हैं। कुंडली में शुक्र जिस अवस्था में है उसके अनुसार इसका फल मिलेगा। शुक्र के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए, शुक्र शुभ नवांश में हो तो निश्चय ही राजयोग जो है वो सफल हो जाएगा। आगे मिथुन राशि में सूर्य चंद्रमा की युति लग्न में होने पर यदि सूर्य और चंद्रमा मंगल से दृष्ट हो तो ऐसे में जातक को फोड़ा फुंसी आदि बहुत होते हैं, अग्नि से भय होता है, बिजली से डर होता है और बारूद आदि से भी जातक को भय रहता है, और पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो ऐसे में जातक को राजदंड का भय होता है, कोई कानूनी कार्रवाई जातक के ऊपर हो सकती है, और उसके भय से राजदंड के भय से कानूनी कार्रवाई के भय से ऐसा जातक अपना मानसिक संतुलन खो देता है, अर्थात उन्माद रोग की समस्या यहाँ पे हो सकती है यदि पाप ग्रहों की दृष्टि इस युति के ऊपर मिथुन राशि में यह युति होने पर हो तो मानसिक स्थिति जो है वो खराब हो सकती है राजदंड के भय से, सरकार के भय से। और यदि कुंडली में मिथुन राशि में लग्न में सूर्य और चंद्र अंशात्मक युति हो, एक ही अंश के ऊपर हो, तो ऐसे जातक जो हैं कर्जे से घिरे रहते हैं, ऋणग्रस्त होते हैं और माता सुख में कमी आती है। 3 महीने के अंदर 3 माताएं होने की संभावना होती है। और मिथुन राशि में यह युति होने पर बुध जो है अच्छी अवस्था में होने पर जातक सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर सकता है, और बुध की स्थिति के अनुसार जातक शुभ फल प्राप्त करेगा। और सूर्य चंद्र जिस नक्षत्र में बैठे हुए हैं मिथुन राशि में, उनका स्वामी किस अवस्था में है कुंडली में, उससे भी जातक को शुभ फल जो है वो देखे जाएंगे। आगे हम चर्चा करते हैं कर्क राशि में। कर्क राशि में सूर्य चंद्र की युति लग्न में होने से ऐसे जातक का कृश शरीर हो सकता है, शरीर कमजोर हो सकता है, यहाँ पे क्षय रोग की समस्या भी जातक को हो सकती है। ऐसे जातक बहुत ज्यादा जिद्दी हो सकते हैं और अपनी जिद के कारण ऐसे जातकों को नुकसान उठाना पड़ता है। और यहाँ पर नक्षत्र भी देखेंगे किस नक्षत्र में बैठे हैं और उस नक्षत्र का स्वामी किस अवस्था में है, अच्छी अवस्था में है या अशुभ अवस्था में है, उसके अनुसार भी जातक को शुभ और अशुभ फल मिलेंगे। आगे हम चर्चा करते हैं सूर्य चंद्रमा की युति सिंह राशि में लग्न में हो तो उसके कैसे फल मिलेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि सिंह राशि में यह युति लग्न में होने से जातक को नेत्र रोग की संभावना होती है। यदि मंगल या शनि की दृष्टि सिंह राशि में बैठे हुए सूर्य और चंद्रमा के ऊपर हो तो ऐसे में जातक जो है वो नेत्रहीन हो सकता है, अंधा हो सकता है। यदि शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो यह योग जो है निष्फल हो जाता है, नेत्र ठीक रहते हैं। अर्थात मंगल और शनि की दृष्टि हो, साथ में गुरु की दृष्टि भी हो जाए, अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए तो नेत्र ठीक रहते हैं। किंतु यदि केवल पाप ग्रहों की दृष्टि है तो ऐसे में जातक नेत्रहीन हो सकता है और मूक और बधिर भी ऐसे जातक हो सकते हैं, अर्थात बोलने में असमर्थ और सुनने में असमर्थ ऐसे जातक हो सकते हैं। यदि पाप ग्रहों की दृष्टि न हो तो ऐसे में सामान्य नेत्र रोग हो सकता है। ऐसे जातकों का शरीर कृश हो सकता है, बहुत ज्यादा कमजोर हो सकता है, क्षय रोग की समस्या हो सकती है, टीबी रोग की समस्या ऐसे जातकों को हो सकती है, धन हानि की संभावना रहेगी। और ऐसे जातक बहुत ज्यादा जिद्दी हो सकते हैं और जिद के कारण ऐसे जातक नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद नक्षत्र के अनुसार भी हम फल विचार करेंगे। सिंह राशि में सूर्य चंद्र की युति किस नक्षत्र में है, दोनों किस नक्षत्र में बैठे हैं, उन नक्षत्रों के स्वामी के अनुसार जातक के ऊपर शुभ अशुभ
फल हम देख सकते हैं, उन नक्षत्रों के स्वामी किस स्थिति में बैठे हुए हैं उसके अनुसार जातक को शुभ और अशुभ फल मिलेंगे। सूर्य चंद्रमा की युति कन्या राशि में लग्न में होने से यदि पाप ग्रहों की दृष्टि हो, शनि की दृष्टि हो, मंगल की दृष्टि हो, तो ऐसे में जातक के जो सगोत्री होते हैं, उनके गोत्र वाले, उनके भाई बंधु बिरादरी वाले जो हैं, उनके द्वारा जातक को बहुत भारी कष्ट हो सकता है, अरिष्ट होता है। उनके द्वारा जातक के ऊपर कोई भयानक कष्ट आ सकता है, जीवन लीला को समाप्त भी कर सकते हैं ऐसे लोग। तो सावधान रहना चाहिए, अपने बंधु बांधवों से मिलके रहना चाहिए, अपने गोत्रियों से मिलके रहना चाहिए, उनके साथ किसी प्रकार का विवाद नहीं करना चाहिए यदि कन्या राशि में सूर्य चंद्र की युति लग्न में हो और पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तो सुगोत्रियों के द्वारा जातक को बहुत कष्ट हो सकता है। कन्या राशि में यह युति होने पर जातक को धन लाभ होगा और सूर्य की दशा में जातक विशेष धन लाभ प्राप्त करेंगे। और बुध कुंडली में किस स्थिति में है उसके अनुसार भी, और किस नक्षत्र में दोनों ग्रह बैठे हैं उनके स्वामी के अनुसार भी सूर्य और चंद्रमा का फल कन्या राशि में प्रभावित होगा। उसके बाद तुला राशि के ऊपर हम विचार करते हैं। तुला राशि में सूर्य चंद्रमा की युति लग्न में होने से यहाँ पर सूर्य जो है वो नीच राशि में होंगे। संभव है कि ऐसे जातकों का जन्म दीपावली के दिन हो, एक दिन पहले हो या एक दिन बाद में हो। अब यदि कुंडली में मंगल अष्टम भाव में हो, शनि छठे भाव में या बारहवें भाव में बैठा हो, तो ऐसे जातक नेत्रहीन हो सकते हैं और जीवन में जातकों के संघर्ष रह सकता है। और अन्य योग की हम चर्चा करते हैं। शुक्र तथा सूर्य और चंद्र तुला राशि में किस नक्षत्र में बैठे हैं, उन नक्षत्रों का स्वामी कुंडली में किस अवस्था में है, उसके अनुसार फलों का विचार करेंगे। यदि केंद्र में पाप ग्रह हो तो ऐसे में जातक निर्धन होगा। यदि कुंडली में सूर्य दस अंश का यदि सूर्य हो तो ऐसे में जातक निर्धन होगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य तुला नवांश में चला जाएगा, जिस कारण जातक को राज प्रकोप हो सकता है, राजदंड हो सकता है। उसके बाद वृश्चिक राशि में सूर्य चंद्रमा की युति लग्न में होने से यहाँ पे चंद्रमा जो है अपनी नीच राशि में होगा, किंतु फिर भी जातक को अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं। पेट रोग की समस्या जातक को हो सकती है, राजयोग होगा, ऐसे जातक उच्च अधिकारी हो सकते हैं। मंगल कुंडली में किस अवस्था में है उसके अनुसार भी फल देखेंगे, और जिस नक्षत्र में ये दोनों बैठे हुए हैं उसके अनुसार भी हम फल देखेंगे, उसके अनुसार फल मिलेगा। भाव ये है कि बहुत से जातकों की कुंडली में यदि वृश्चिक राशि में बैठा हो तो फल एक समान नहीं होगा, क्योंकि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल सबका अलग अलग राशि में होगा, जिसके कारण फल में भिन्नता आ जाएगी। उसके बाद धनु राशि के ऊपर हम विचार करेंगे। धनु राशि में सूर्य और चंद्रमा की युति लग्न में होने से ऐसे जातक का भाग्य जो है वो कमजोर होगा, और चंद्रमा की महादशा जातक के लिए बहुत शुभ रहेगी। यहाँ पे चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी होगा, फिर भी बहुत अच्छी दशा महादशा चंद्रमा की जाएगी, किंतु सूर्य की महादशा जो है जातक के लिए बहुत अशुभ हो सकती है। सूर्य की दशा में जातक को कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। और उसके बाद आगे गुरु और नक्षत्र स्वामी से भी हम विचार करेंगे, दोनों किस नक्षत्र में बैठे हैं, गुरु कुंडली में कैसी अवस्था में है, उसके अनुसार फल जो है अधिक कम हो सकता है। उसके बाद मकर राशि में सूर्य और चंद्रमा की युति लग्न में होने से ऐसे जातक को गृहस्थ सुख में कमी होगी, दोनों ही शत्रु राशि में होंगे, गृहस्थ सुख में कमी होगी, पत्नी को कष्ट हो सकता है, पत्नी के सुख में कमी होगी, पत्नी को कष्ट की संभावना रहेगी। यदि कुंडली में शनि तुला राशि में बैठा हुआ है, शुभ राशि में बैठा हुआ है, तो बहुत अच्छे फल जातक को प्राप्त होंगे। और मकर राशि में जिस नक्षत्र में सूर्य चंद्रमा बैठे हुए हैं, यदि वो कुंडली में बहुत अच्छे उनका स्वामी उन नक्षत्रों का स्वामी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है, तो निश्चय ही राजयोग होगा। उसके बाद हम चर्चा करते हैं कुंभ राशि में सूर्य और चंद्रमा की युति लग्न में होने से
ऐसे जातक को फोड़ा, फुंसी और सिर में रोग से कोई समस्या हो सकती है। सिर का रोग जातक को हो सकता है, सिर दर्द रह सकता है। और ऐसे जातक जो हैं मान सम्मान प्राप्त करते हैं, यहाँ पे राजयोग भी बनेगा, उच्च पद की प्राप्ति भी जातक को होगी। यदि कुंडली में शनि तथा नक्षत्र का स्वामी अच्छी अवस्था में बैठे हों तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। तो कुंभ राशि में भी यह युति जो है मान सम्मान और राजयोग देती है। किंतु ऐसे जातकों का अपने पिता से मनमुटाव रह सकता है, अपने पिता से किसी तरह का कलह रह सकता है। उसके बाद चर्चा करते हैं मीन राशि में सूर्य और चंद्रमा की युति यदि लग्न में हो तो ऐसे में जातक या जातक के पिता को जल से भय होता है, गहरे जल में इनको स्नान नहीं करना चाहिए, जल से भय होता है। और उसके बाद यदि कुंडली में मंगल अष्टम भाव में हो, शनि छठे भाव में हो या बारहवें भाव में हो, ऐसे में जातक नेत्रहीन हो सकते हैं, नेत्र रोगी हो सकते हैं। और ऐसे जातक जो होते हैं मीन राशि में यह युति होने से जातक बहुत ज़्यादा कठोर मेहनत करने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा संघर्ष करने वाले होते हैं। ऐसे जातकों को देखा गया है कि सिर के रोग हो सकते हैं, सिर में कोई दर्द कोई तकलीफ रह सकती है। और गुरु कुंडली में किस अवस्था में है उससे भी फल प्रभावित होगा, और जिस नक्षत्र में ये दोनों बैठे हैं उससे भी फल प्रभावित होगा। यदि आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा लग्न में बैठे हैं, किसी राशि में बैठे हैं, तो अपने अनुभव जो हैं वो हमें कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।